ओके, वी स्टार्टेड विद द एंजाइम डेफिनेशन. व्हाट इज एंजाइम? आफ्टर दैट व्हाट वी डिड? नॉमनक्लेचर ऑफ एंजाइम. ठीक है, नॉमनक्लेचर के बाद में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? इसका क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन के लिए जो बेसिकली न्यूमैनिक है वो क्या है आपका? ओ टी एच एल आई एल. ठीक है, ओ मीन्स ऑक्सीरो रिडक्टेज, टी इज फॉर ट्रांसफरेज, एच इज फॉर हाइड्रोलेज, एल इज फॉर लाइट, एंड लास्ट आपके आइसोमरेज एंड लाइगेज. किस किस कैटेगरी के अंदर हमने इन एंजाइम्स को क्लासिफाई करा है? वी ऑल आर अवेयर अबाउट दैट. ठीक है, इसके बाद में हमने क्या देखा? एंजाइम्स का स्ट्रक्चर देखा. ठीक है, एंजाइम के स्ट्रक्चर में जो मेन चीज हमने देखी, इसमें क्या देखी? इसके अंदर फोर नंबर्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज फॉर क्लास, द सेकेंड वन इज फॉर सब क्लास, द थर्ड वन इज फॉर सब सब क्लास, एंड फोर्थ वन इज फॉर नंबर. ओके, अब एक्टिव साइट्स क्या होती हैं आपकी? द साइट विच इज प्रेजेंट ऑन एंजाइम वेयर सब्सट्रेट इज बाइंड, दिस साइट इज नोन एज एक्टिव साइट. फिर इसके बाद में हमने क्या देखा? को एंजाइम्स क्या होते हैं, होलो एंजाइम्स क्या होते हैं, कुछ टर्म्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ा. इसके बाद में हम लोग आए किस पे? मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखी. एंजाइम्स के साथ अगर बाउंड होते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी लो रहती है, अगर नहीं होते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी विल बी हाई, जो कि हमने इस डायग्राम से डिस्कस किया था. इसके बाद हमने कुछ थ्योरीज डिस्कस की थी. द फर्स्ट वन इज माइकलिस मेंटन थ्योरी, फिशर टेम्पलेट जिसे हम लॉक एंड की थ्योरी भी कहते हैं, एंड लास्ट वन वॉज कॉशलैंड इंड्यूस्ड फिट थ्योरी. इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये हमने कल क्लियर किया था. अब फिर हमने जो देखा था उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक था हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी. कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपके? द फर्स्ट वन इज एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, द सेकेंड वन इज सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, देन प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन, द फोर्थ वन इज टेम्परेचर, एंड द फिफ्थ वन इज पीएच. दीज आर द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन. अब आज का जो हमारा टॉपिक है एंजाइम इनहिबिशन. अब इनहिबिशन का क्या मतलब होता है? स्ट्रिक्ट. ओके, और वी कैन से प्रोहिबिशन. वेरी गुड. ठीक है, इनहिबिशन इट मीन्स कोई भी हमने रिएक्शन देखी, एंजाइम है सबस्ट्रेट के साथ लिंक किया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, और आफ्टर दैट प्रोडक्ट्स एंड एंजाइम विल रिलीज. इनहिबिटर्स क्या करते हैं आपके? इनहिबिटर्स विल एनहेंस और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं? मॉडिफायर्स कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. और इनहिबिटर्स क्या करते हैं? दे कैन ब्लॉक द रिएक्शन. वो क्या करेंगे? एंजाइम की रिएक्शन को ब्लॉक करने का काम करते हैं. इनहिबिटर्स आर द केमिकल, दे कैन रिड्यूस द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, दे आर यूजली स्पेसिफिक एंड दे वर्क एट द लो कॉन्सेंट्रेशन. दे कैन ब्लॉक द एंजाइम बट दे डू नॉट यूजली डिस्ट्रॉय इट. ठीक है, अगर ब्लॉक करते हैं तो क्या होगी? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सट्रेट विल बी इंक्रीज. ठीक है, जैसे ए प्लस बी, इनसे हमें क्या मिल रहा है? सी प्लस डी. जो एंजाइम ए प्लस बी को सी प्लस डी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, दैट एंजाइम इज डेफिशियंट, या फिर वो एंजाइम क्या है आपका? ब्लॉक्ड है. तो क्या होगा? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ए एंड बी विल बी इंक्रीज. इज इट क्लियर? देन मैनी ड्रग्स एंड पॉइजन्स आर इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम्स इन द नर्वस सिस्टम. कुछ एग्जाम्पल्स जैसे अभी हम देखेंगे भी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनहिबिशन, इट कैन बी अ रिवर्सिबल और इट कैन बी अ इरिवर्सिबल. एप्लीकेशंस ऑफ इनहिबिटर्स, नेगेटिव फीडबैक. नेगेटिव फीडबैक मतलब जो कि आपकी एंड पॉइंट रिएक्शंस होती हैं. पॉइजन्स हैं जैसे स्नेक बाइट, प्लांट एल्कलोसिस एंड नर्व गैसेस. और मेडिसिन एंटीबायोटिक्स हो गई आपकी कौन कौन सी है? सिडेटिव्स हो गई, स्टिमुलेंट्स हो गई, या फिर सल्फेनामाइड्स हो गई. ये सब आपके मेडिसिंस एंटीबायोटिक्स होती हैं. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन की. एंजाइम इनहिबिशन कैसे वर्क करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट. अब आपके ऊपर क्या क्वेश्चन आते हैं? तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन क्या होता है, या फिर आएगा डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, या फिर डायरेक्ट इस पे शॉर्ट नोट आ जाता है एलोस्टेरिक इनहिबिशन क्या होता है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन. कॉम्पिटेटिव जैसे कि हमें नाम से बहुत क्लियर है, यहाँ पे क्या होगा? कॉम्पिटिशन होगा. ठीक है,
इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में कॉम्पिटिशन होगा, आइदर सबस्ट्रेट कैन बी अटैच टू द एक्टिव साइट और इनहिबिटर अटैच टू द एक्टिव साइट, देयर विल बी अ कॉम्पिटिशन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर. नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में क्या होता है आपका, हेयर विल नो कॉम्पिटिशन अकर्स, अलग से एक साइट प्रेजेंट होती है, आपका इनहिबिटर अटैच करेगा. अगर एक और साइट आपकी प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज अ अदर साइट, सबस्ट्रेट अपना अलग अटैच हो रहा है, इनहिबिटर अलग हो रहा है, यहाँ पे आपकी वी मैक्सिमम क्या होगी, इट विल बी कॉन्स्टेंट. ठीक है, और एलोस्टेरिक क्या होती है, अगर एलोस्टेरिक साइट अलग से प्रेजेंट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम इनहिबिशन. अभी डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं. कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर हैज ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू द सबस्ट्रेट. ठीक है, दे कैन बी ऑफ सेम, ऑक्यूपाइज एक्टिव साइट, कम्पीट्स विद द सबस्ट्रेट फॉर द एक्टिव साइट, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज रिड्यूस्ड व्हाइल अ एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड. अब क्या होगा, पहले जो जनरल रिएक्शंस होती है उनमें क्या होता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में लिंक करते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद में रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करती है. लेकिन अगर आपके पास सबस्ट्रेट के साथ साथ इनहिबिटर्स की भी क्वांटिटी है तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जहां पे सबस्ट्रेट बाउंड करेगा और कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जहां पे इनहिबिटर बाउंड करेगा, तो आपकी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. क्यों, क्योंकि कुछ तो ऐसी एक्टिव साइट्स होंगे जहां पे इनहिबिटर भी जाके अटैच होगा और नए कॉम्प्लेक्सेस क्या बनेंगे आपके, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स. इज इट क्लियर? ठीक है, हैज इफेक्ट रिवर्स बाय द इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, V मैक्सिमम रिमेन सेम बट Km इज इंक्रीज. Km क्या है आपका, माइकलिस मेंटन कॉन्स्टेंट. नाउ सी, दिस इज योर एंजाइम, दिस इज योर एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट विल अटैच हियर. ठीक है, ये आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया. जो नया कॉम्प्लेक्स हमारे पास बन रहा है वो क्या है आपका, दिस इज एंजाइम, आपकी जो इनहिबिटर है वो आकर यहाँ पर अटैच होगा. ये आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स बना है नया, EI कॉम्प्लेक्स, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स. अब अगर आपकी इनहिबिटर अटैच होता है तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी. जैसे ही आपके पास सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी या फिर आपके एंजाइम्स की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर ग्राफ होगा. ठीक है, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अटैच होता है तो क्या होता है, रिएक्शन जैसे नॉर्मली प्रोसीड करनी चाहिए थी वैसे नहीं होंगी, तो आपका ये ग्राफ एज कंपेयर टू विदाउट इनहिबिटर विल बी डिक्रीज. इज इट क्लियर? व्हाट इज द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, द फार्मेलॉजिकल एक्शंस ऑफ मैनी ड्रग्स बेस्ड अपॉन द कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन. कौन कौन सी आपकी, सल्फोनामाइड है, एंटीबायोटिक इनहिबिट करते हैं किसको, टेराइड सिंथेटिस को, मीथोट्रेक्सिट है, सबने नाम सुना हुआ है इसका, क्या होती है ये, एंटी कैंसर ड्रग होती है, और पायरीमिथामिन क्या होती है आपकी, एंटी मलेरियन ड्रग होती है. मीथोट्रेक्सिट क्या करता है आपका, डाई हाइड्रोक्सी फोलेट रिडक्टेज, इसे इनहिबिट करने का काम करता है, और पायरीमिथामिन क्या करता है आपका, डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करने का काम करता है. अभी दोनों ही जो एंजाइम है आपके बोथ आर सेम. ठीक है, मीथोट्रेक्सिट हम किसके लिए देते हैं, फॉर एंटी कैंसर, और पायरेमिथामाइन किसके लिए देते हैं हम, एंटी मलेरियन. दिस इज द ओनली डिफरेंस, द सेम थिंग इज सेम एंजाइम के ऊपर दे विल एक्ट. नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स क्या करते हैं आपके, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स बहुत ही सूदिंग से रिएक्शंस होती हैं, कुछ नहीं होता है. नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स बाइंड एंजाइम्स एट साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, जनरली बियर अ लिटिल और अ नो स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस. जैसे आपके कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स में आपने क्या देखा, द स्ट्रक्चर ऑफ ए सबस्ट्रेट और ए स्ट्रक्चर ऑफ ए इनहिबिटर, दे कैन बी ऑफ ए स्ट्रक्चरल एनालॉग सिमिलर, लेकिन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. बाइंडिंग ऑफ द इनहिबिटर डज नॉट अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ ए सबस्ट्रेट. ऑब्वियसली अब अगर हमारे पास एक्स्ट्रा साइट प्रेजेंट है इनहिबिटर के लिए तो सबस्ट्रेट आके अटैच हो सकता है, इनहिबिटर को कोई इशू नहीं होगा. ठीक है, द इनहिबिटर कंबाइंस विद द एंजाइम एंड द रिएक्शन बिकम्स इरिवर्सिबल. फॉर्मेशन ऑफ बोथ एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज देयरफॉर बी अ पॉसिबल.
अब इसमें क्या होगा, वी मैक्सिमम जो है आपका रिड्यूस हो जाएगा, वहां पे वी मैक्सिमम जो था वो आपका सेम था और के एम की वैल्यू वहां पे चेंज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होगी आपकी, नॉट चेंज. सी हियर वी कैन डिस्कस इफ इट इज अ नॉर्मल रिएक्शन, क्या होगा आपका, सबस्ट्रेट विल बाइंड टू द एंजाइम, द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, हियर कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स एंड एंजाइम, दीज आर अटैचेस हियर. यहाँ पे क्या होगा आपका, इनहिबिटर जो है आपका इट विल अटैच टू अनदर साइट ऑफ एंजाइम, देन इट विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ठीक है, यहाँ पे सबस्ट्रेट भी अटैच है और इनहिबिटर भी अटैच है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ई आई एस कॉम्प्लेक्स, एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, अब हम तीनों पढ़ रहे हैं. ठीक है, अगर हमारे पास नॉर्मल एंजाइम्स के कॉन्सेंट्रेशन है, नॉर्मल सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है, तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, इस तरह से बिल्कुल स्मूथ होगी. अभी हमारे पास जैसे ही एंजाइम की या सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है, आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, एक लीनियर ग्राफ वी विल गेट हियर. इफ वी विल हैव अ कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर में क्या होगा, कुछ रिएक्शन के अंदर आपके सबस्ट्रेट अटैच हो रहे हैं, तो रिएक्शन क्या होंगी, दे कैन नॉर्मली प्रोसीड. सो द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज इफ यू आर कंपेयरिंग विद द नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर. यहाँ पे आपका क्या है, वी मैक्सिमम सेम है, लेकिन के एम आपका क्या होता है, इट कैन बी डिफरेंशिएट. नाउ इफ यू हैव अ नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, अब हर रिएक्शन के अंदर आपका नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर अगर अटैच होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कहीं ना कहीं वो रेट ऑफ रिएक्शन को इनहिबिट करने की कोशिश करेगा. तो वो क्या करेगा, when we will compare it to the competitive inhibitor, the rate of reaction will be decreased. Okay, here what we will have, same constant value and different maximum velocity. This is the difference. What does it do? Increasing the substrate concentration will abolish the competitive inhibition. Abolish it means it will complete the competitive inhibition, but it will not abolish the non-competitive inhibition. Now there are some good examples. आपका cyanide है, cyanide is a poison. What it does? Cytochrome oxidase के ऊपर क्या करता है ये? इसे inhibit करने का काम करता है. Fluoride है आपका, inhibit करता है enolase को, so that glycolysis can occur. Enolase सबने पढ़ा है. That's why we all are aware the sugar samples are taken in a fluoride vial. ठीक है? Then Iodoacetate inhibits enzyme having thio group in their active site, and BAL is what? It is a British anti-lewisite. ठीक है, ये क्या करता है आपका, as a antidote for heavy metal poisoning के लिए use होता है. Now the third one is, the third inhibitor is your allosteric inhibitor. Allosteric means the other site. Non-competitive inhibition में भी क्या था हमारे पास, अलग से एक site present थी, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, एक डिफरेंट साइट हमारे पास अवेलेबल होगी. द एंजाइम्स हैव अ वन कैटालिटिक साइट वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड अनदर सेपरेट एलोस्टेरिक साइट, द मॉडिफायर बाइंड. हियर द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्सो. द एलोस्टेरिक साइट मे और मे नॉट बी फिजिकली एडजेसेंट. द बाइंडिंग ऑफ द मॉडिफायर मे इनहेंस और इट मे इनहिबिट द एंजाइम एक्टिविटी. अब यहाँ पे क्या होंगे हमारे पास, मॉडिफायर्स अटैच होंगे. अगर मॉडिफायर्स अटैच हुए और रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपकी इनहेंस हो रही है, इट मींस जो मॉडिफायर अटैच हुआ है वो आपका कौन सा मॉडिफायर है, पॉजिटिव. और इफ द इनहिबिट द रेट ऑफ रिएक्शन, इट मींस द नेगेटिव मॉडिफायर इज अटैचेस टू द एंजाइम साइट. इधर बहुत बातें हो रही हैं. ठीक है, इनहिबिटर इज नॉट ए सबस्ट्रेट एनालॉग, पार्शियली रिवर्सिबल व्हेन एक्सेस सबस्ट्रेट इज एडेड. ठीक है, के एम इज यूजुअली इंक्रीज एंड बी मैक्सिमम इज रिड्यूस व्हेन द इनहिबिटर बाइंड्स टू द एलोस्टेरिक साइट. द कॉन्फिगरेशन ऑफ द एक्टिव साइट इज चेंज्ड सो दैट द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड प्रॉपरली. मोस्ट एलोस्टेरिक एंजाइम्स पजेस द क्वार्टनरी स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल, द ग्लाइकोलिटिक पाथवे इज रेगुलेटेड बाय द फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. अब आप जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस देखेंगे, साइकिल के लास्ट में आपको हमेशा क्या पढ़ना है, रेगुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंजाइम.
अब जैसे ही आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, आप क्या देखोगे, रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। जो फर्स्ट रेगुलेशन एंजाइम आपका होता है वो कौन सा होता है आपका, PFK, फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज, विच कैटालाइजेस द फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। इट इज एलोस्टेरिक, इनहिबिटेड बाय द ATP एंड एक्टिवेटेड बाय द AMP। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, उसका पॉजिटिव एनालॉग भी है और उसका नेगेटिव एनालॉग भी है। इनहिबिट कौन करता है उसको, ATP, और एक्टिवेट कौन करता है उसको, AMP। सो हेयर इज द डिफरेंस बिटवीन अ 1-फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अगर ATP है, एक अनदर फॉस्फेट ग्रुप अगर अटैच हो जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, इनहिबिट करेगी। लेकिन जैसे ही आपका एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूव होगा, क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी एनहेंस। इज इट क्लियर? नाउ दीज आर द एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज अभी हमने देखा, इसके अलावा ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो आपके एलोस्टेरिक इनहिबिटर हैं और एलोस्टेरिक एक्टिवेटर हैं। ये डायग्राम आपको सबको बुक्स में मिल जाएगा। आप लोग कौन से बुक प्रिफर कर रहे हैं अभी, वासुदेवन? ठीक है, वासुदेवन और सत्यनारायण, ये किन्होंने बताई है आपको, हमने तो नहीं बताई, NCERT। हाँ ठीक है, वो तो सत्यनारायण किसने रिकमेंड करी है बताओ, सीनियर्स ने। हाँ, इसके अलावा ट्राई टू अवॉइड सत्यनारायण। सत्यनारायण में क्लिनिकली पार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आप अपना क्लिनिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो बायोकेमिस्ट्री के साथ साथ, देखो मैं आपको एक बहुत क्लियर करूँ चीज, जो बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है फाइनल ईयर तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अब आप कोई भी डिजीज पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, देयर आर सम एंजाइम्स विच विल बी कोवेलेंटली बाइंड टू दैट पर्टिकुलर एंजाइम। अब आप अभी इंटर्नशिप भी कर रहे हो, आपकी कहीं भी ड्यूटी लग रही है, आप कहाँ पे हो अभी, गेस्ट्रो डिपार्टमेंट में आप लोगों की ड्यूटी लग गई, जस्ट एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी आता है, आपको ये तो पता ही होना चाहिए ना इस पर्टिकुलर डिजीजेस के अंदर कौन से एंजाइम्स एलिवेटेड होंगे और कौन से डिक्रीज होंगे। ठीक है, अभी एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम। अब हार्ट के अगर किसी को एकदम से एंजाइना स्टार्ट हुआ तो आपको कौन सा एंजाइम सबसे पहले एक्टिवेट होगा और किसकी रेट सबसे ज्यादा इंक्रीज होगी, आई थिंक यू शुड अवेयर अबाउट दैट, पता होना चाहिए ना। इसलिए अगर आपको अपना क्लिनिकली पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो वासुदेवन पढ़ना है, क्योंकि उसके अंदर ब्लॉक्स बने हुए होते हैं छोटे छोटे, क्लिनिकली इंपॉर्टेंट पार्ट, वो ब्लॉक्स पढ़ने हैं आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यनारायण पे मत जाओ, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी हैं। लैंग्वेज इज इजी, लेकिन एक बार पढ़ने लग फिर आप समझने लग जाते हैं, वासुदेवन पढ़नी है। अगर वास्तु में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर SK गुप्ता लो। ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि वासुदेवन से पढ़ाई करनी। नाउ द रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, प्लीज साइलेंस। द रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इज नीडेड टू हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस का मतलब क्या होता है, मेंटेन। यस, इंडक्शन एंड रिप्रेशन रेगुलेट द एंजाइम एक्टिविटी। इंडक्शन ये क्या करेगा, आपका इफेक्टर मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज करने का काम करेगा। दिस कैन बी मैनिफेस्ट इटसेल्फ एक्सप्रेशन, RNA ट्रांसलेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। बातें क्यों होने लगी लास्ट, दिस इंड्यूसर विल रिलीव द रिप्रेशन ऑन द ऑपरेटर साइड एंड विल रिमूव द ब्लॉक ऑन द बायोसिंथेसिस ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल। जैसे ट्रिप्टोफैन, पायरोलेज है, ट्रांसएमिनेज है, ये क्या करते हैं आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को इंड्यूस करने का काम करते हैं। ग्लूकोकाइनेज किससे इंड्यूस्ड होता है आपके, इंसुलिन से, एंड ALA सिंथेस बारबिट्यूरेट से। वॉट इज रिप्रेशन, द रिप्रेशन एक्ट द जीन लेवल एंड द नंबर ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर मॉलिक्यूल। द की एंजाइम्स ऑफ हीम सिंथेसिस इज ALA सिंथेस, autoregulated by the heme, the mean of repression. This is all about the induction and repression. अब एंजाइम स्पेसिफिसिटी क्या होती है आपकी, यहाँ पे कुछ डिफरेंट टर्म्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, इट मीन्स सम एंजाइम्स आर एब्सोल्यूटली स्पेसिफिक, इट मीन्स देयर आर सम एंजाइम्स, दे विल बी अटैचेस टू द पर्टिकुलर एक्टिव साइट ओनली, हर कहीं जाके अटैचेस नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया टू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कैटलाइज्ड बाय द यूरिएज। अभी जैसे डिटेक्शन ऑफ यूरिया, इट विल बी डन बाय द मेथड ऑफ यूरिएज ओनली, द सिंगल मेथड होता है आपका यूरिया डिटेक्शन के लिए।
तो ओनली सब्सट्रेट क्या है आपका यूरिया के लिए, यूरिया इज द ओनली सब्सट्रेट फॉर यूरिए. थायो यूरिया दस स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूरिया बट इट विल नॉट एक्ट एज अ सब्सट्रेट फॉर यूरिए. अब हमें पता है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द यूरिएज इट मीन्स द सब्सट्रेट फॉर यूरिएज इज यूरिया. बॉन्ड स्पेसिफिसिटी इट मीन्स मोस्ट ऑफ द प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स आर शोइंग ग्रुप स्पेसिफिसिटी. ट्रिप्सिन कैन हाइड्रोलाइज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ आर्जिनिन एंड लाइसिन एंड दे कैन रेसिड्यू एनी प्रोटीन. अब ये किस पे स्पेसिफिक है आपके बॉन्ड पे. ग्रुप स्पेसिफिसिटी इट मीन्स वन एंजाइम कैन कैटलाइज द सेम रिएक्शन और सेम ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर कंपाउंड. इफ टू ग्रुप्स आर सिमिलर टू ईच अदर और टू कंपाउंड्स आर सिमिलर टू ईच अदर तो वो किसी पर भी एक्ट कर सकता है. हेक्सोकाइनेज है जैसे आपका कैन कैटलाइज फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज गैलेक्टोज एंड मैनोज. सेम रिएक्शन के लिए हेक्सोकाइनेज के साथ साथ आपका ग्लूकोकाइनेज अगेन एक्ट कर सकता है फ्रक्टोज से. ग्लूकोज से क्या होता है ग्लूकोज फॉस्फेट के अंदर कन्वर्जन के अंदर. फिर आता है हमारा ऑप्टिकल एंड स्टीरियो स्पेसिफिसिटी. ह्यूमन एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर एल एसिड्स एंड डी शुगर. लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है आपका ये क्या करता है आपका सिर्फ एल लैक्टेट के ऊपर ही वर्क करता है. अब लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज कौन सा एंजाइम है आपका दिस इज स्पेसिफिक फॉर विच डिजीज. लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज स्टैंड फॉर LDH. LDH इज स्पेसिफिक फॉर विच डिजीज मसल और इट इज स्पेसिफिक फॉर बेसिकली हार्ट एंड द सेकेंड वन इज फॉर मसल. ठीक है. LDH इज ए आइसो एंजाइम एंड LDH हैज ए फाइव फॉर्म. अभी हम पढ़ेंगे आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं. जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है आइसो एंजाइम्स का सबसे पहले जो हम नाम लेते हैं वो लेते हैं हम LDH. सी आइसो एंजाइम्स दे आर फिजिकली डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम एक्टिविटी. डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ ए सेम एंजाइम सिंथेसाइज फॉर वेरियस टिश्यूज आर कॉल्ड आइसो एंजाइम. अब जैसे हम बात करते हैं आइसोमर्स. व्हाट आर आइसोमर्स. ओके देयर आर फाइव स्टूडेंट्स इज स्लीपिंग. गुड मॉर्निंग. ठीक है जस्ट एग्जांपल ये फाइव लोग हैं इन पांचों के नाम सेम है ए ए ए ए ए. ठीक है इन सबका जो वेट है कितना है जस्ट एग्जांपल 60 60 60 60 60. लेकिन अब हमें ये भी पता है ये पांचों के नाम सेम है पांचों का मॉलिकुलर वेट भी सेम है लेकिन इन पांचों की हरकतें सेम नहीं है. है ना इन्हें क्या पसंद है इन्हें कुछ और पसंद हो सकता है इनकी पसंद कुछ और हो सकती है. गलत मायने में नहीं सुना हम अच्छी बात. ठीक है चलो तो अब क्या होगा इनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी. हो सकता है इन्हें खेलना पसंद हो सकता है इन्हें पढ़ना पसंद हो. सबकी जो चॉइसेस हैं दे कैन बी डिफर फ्रॉम ईच अदर. तो आइसोमर्स क्या होते हैं आपके सेम ऐसे ही होते हैं. जैसे मैंने बात करी आइसो एंजाइम्स में LDH है LDH में आपकी कितनी फॉर्म्स होंगी फाइव. अब LDH वन और LDH फाइव दोनों अलग अलग डिजीज के लिए स्पेसिफिक होंगे. ठीक है अब क्लिनिकली एंजाइम्स की बात करें दे कैन बी ए फंक्शनल और दे कैन बी अ नॉन फंक्शनल. फंक्शनल का मतलब क्या होगा these plasma derived enzymes and certain enzymes proteozymes and their substrate are present all times in the circulation of normal individual. best example aapka kya hai blood coagulation and blood clot dissolution ye all time body ke andar hota rehta hai. ab hum baat karte hain non functional iska best example kya hai aapka destruction of erythrocytes leukocytes and other cells. ab iska hai no known physiological function in ब्लड. लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज. लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज कैटलाइज द रिवर्सिबल कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट. अब इसे कैसे देखेंगे हम ये एक टेट्रामर है. अब या तो इसके अंदर एच यूनिट प्रेजेंट होगी या फिर इसके अंदर एम यूनिट प्रेजेंट होगी. हम लोग बात करते हैं 1 2 3 4 5 जो आपका LDH1 है वहां पे चारों यूनिट किसकी है हार्ट की है एच की है. तो LDH1 इज वेरी स्पेसिफिक फॉर हार्ट. अब क्या हो गया आपने H4, H3, H2, H1 and H0. यहाँ पे आपका M0, M1, M2, M3 and M4. इस तरह से हम इसे क्या करेंगे लिखेंगे. अब आपका जो लास्ट है वहां पे आपकी चारों यूनिट किसकी है मसल्स की है.
तो आपका जो 5 वाला होगा वो किसके लिए स्पेसिफिक हो जाएगा? मसल्स के लिए. और जो फर्स्ट वन होगा वो किसके लिए स्पेसिफिक हो जाएगा? हार्ट के लिए. द सब यूनिट्स मे बी आइदर एच इज फॉर हार्ट एंड एम इज फॉर मसल्स पॉलीपेप्टाइड चेन. देयर कैन बी अ 5 पॉसिबल कॉम्बिनेशन H4, H3M1, H2M2, H1M3 एंड M4. These are 5 different type of isoenzymes seen in all individuals. M4 form a scene in skeletal muscles and H4 in heart. Normally LDH2 जिसमें H3 और M1 units होती हैं, that is greater than LDH1 and this reversed pattern is seen in myocardial infarction, जिसे हम क्या कहते हैं? Slipped pattern भी कहते हैं. In myocardial infarction, LDH increases within few hours after the heart attack reaches the peak of the 5th day and reaches normal level by the 10 to 12 day. अभी जैसे क्या होता है, जस्ट एग्जाम्पल, सडनली आप लोगों के सामने कोई केस आया, जैसे कोई पेशेंट है जैसे एकदम से हार्ट पेन होना स्टार्ट हुआ, जैसे हम एंजाइना भी कह सकते हैं, तो आप लोग सबसे पहले उसे क्या प्रेफर करेंगे? और विच स्टैटिन? कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से बायोकेमिस्ट्री पैरामीटर से आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं है? बहुत ही LDH. हाँ, और देखो, 3 स्पेसिफिक मार्कर्स होते हैं जो बहुत अच्छे हार्ट मार्कर्स हैं. पहला है आपका ट्रोपोनिन I, द सेकंड वन इज एंटीप्रो BNP एंड द थर्ड वन इज CKMB. ठीक है, CK इज अगेन योर आइसोएंजाइम. क्रिएटिन काइनेज, इनकी भी आपकी 3 फॉर्म्स होती है. ब्रेन, तो पहली आपकी क्या हो जाएगी? MM इज फॉर मसल एंड B इज फॉर ब्रेन एंड द थर्ड वन इज भी, दिस इज वेरी स्पेसिफिक फॉर योर हार्ट. अब आप लोग क्या करेंगे, जैसे ही सडनली आपके पास, सबसे पहले क्या बोलेंगे? कार्डियक मार्कर्स का इवेल्युएशन करना चाहिए. ठीक है, CKMB एक ऐसा पैरामीटर है, जैसे ही एंजाइना होता है विद इन 2 to 3 आवर्स इसकी रेट क्या हो जाती है? एकदम से इंक्रीज हो जाती है. तो जैसे इसकी रेट इंक्रीज हुई, जस्ट एग्जाम्पल, इसकी नॉर्मल वैल्यू है आपकी 15 to 35 इंटरनेशनल यूनिट पर ML. अब जैसे ही अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई तो क्या होगा, हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेंगे या देयर मे बी सम डिजीज एंड इट मे बी रिलेटेड टू द हार्ट. अगर सारे पैरामीटर्स नॉर्मल आ रहे हैं, फिर हम अदर उस पर जाते हैं कि इको वीको क्या है इसका, या टी टेस्ट क्या होता है, जो भी ट्रेडमिल टेस्ट वगैरह अपन करते हैं, TMT, फिर इन सबके ऊपर अपन फोकस करते हैं. क्रिएटिन काइनेज द अनदर आइसोएंजाइम. इट इज एन एंजाइम फाउंड प्राइमरीली इन हार्ट एंड स्केलेटल मसल एंड टू अ लेसर एक्सटेंट इन द ब्रेन बट नॉट फाउंड इन लिवर एंड किडनी. तो हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं CKMB लिखने के बाद में करते हैं, दिस इज वेरी स्पेसिफिक फॉर योर लिवर एंड किडनी, क्योंकि शायद मेजर ऑर्गन्स हैं तो हर किसी को यही दो याद रहते हैं. CK इज अ सेंसिटिव इंडिकेटर इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ मायोकार्डियल इस्केमिया. आइसोएंजाइम इज डाइमेरिक, द फर्स्ट इज M एंड द सेकेंड वन इज B. M इज स्पेसिफिक फॉर योर मसल एंड B इज फॉर योर ब्रेन. If both units are MM, it means originated from the skeletal muscles. If it is MB, is from heart. And if it is BB, CK1, is from brain. After myocardial infarction, the serum values is found to increase within 3 to 6 hours, reaches a peak level in 24 to 30 hours, and returns to normal after 2 to 4 days. These enzymes can be separated by the electrophoresis or ion exchange chromatography. Then ALT, जिसे हम SGPT भी कहते हैं, एलेनिन अमीनो ट्रांसपरेज, और वी कैन से सीरम ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांसएमिनेज. ये आपका कौन सा एंजाइम होता है? दिस इज वेरी स्पेसिफिक फॉर योर लिवर. द एंजाइम नीड्स पैराडॉक्सिल फॉस्फेट इज ए कोएंजाइम. इट इज प्राइमरीली प्रेजेंट इन लिवर. नॉर्मल रेंज कितनी होती है आपकी? 0 to 35 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर. मॉडरेट इंक्रीज कितना होता है? 25 to 100 यूनिट पर लीटर. मे बी सीन इन क्रॉनिक लिवर डिजीज. वॉट डज इट मीन क्रॉनिक लिवर डिजीज? क्रॉनिक लिवर डिजीज का क्या मतलब होता है? लॉन्ग रन. कितना लॉन्ग रन? 1 year, 2 years, 3 years? मोर देन 3 years. हाँ, क्रॉनिक मीन्स जो बहुत लॉन्ग टाइम से हो. तो इसके क्या
कैसे आप डिफाइन करोगे कि वो क्रॉनिक है या अक्यूट है? कोई पर्टिकुलर टाइम है? हाँ ठीक है, मार्कर्स कैन बी चेंज. आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन, हाउ यू विल डिफ्रेंशिएट दैट द पर्टिकुलर डिजीज इज क्रॉनिक और अक्यूट? क्या कोई टाइम ड्यूरेशन है क्रॉनिक लिवर डिजीज को डिफाइन करने का? 1 साल, 2 साल, 3 साल? अगर 3 साल, ओके. कितने लोग इनके साथ दे रहे हैं बताओ? एक ही दे रहे हैं यार, वेरी बैड. और कोई कोई बात नहीं, बहुत देर हो गई है. ओके लेट मी एक्सप्लेन. इफ द डिजीज इज पर्टिकुलर कॉन्स्टेंटली फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ्स, द पर्टिकुलर डिजीज विल कम अंडर क्रॉनिक कंडीशन. ठीक है, अगर 6 मंथ्स तक कंटिन्यू है तो डिजीज आपकी किसके अंदर आ जाती है? आपकी क्रॉनिक के अंदर आ जाती है. अगर फ्रॉम लास्ट 1 to 2 मंथ्स है तो उसे हम क्रॉनिक नहीं बोलेंगे, वो आपकी अक्यूट डिजीज होंगी. ठीक है, इज इट क्लियर? वेरी हाई वैल्यूज अब आपकी 100 to 1000 यूनिट पर लीटर्स हैं, तो ये किन कंडीशंस में बढ़ जाती हैं? आपकी अक्यूट हेपेटाइटिस, आइदर टॉक्सिक और वायरल इन ओरिजिन. मॉडरेट इंक्रीज 2 to 3 times इन ALP लेवल इज सीन इन हेपेटिक डिजीज सच एज इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस एंड हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा. हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा क्या है ये क्या समझ आ रहा है? हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा इसका क्या मतलब है? लिवर कैंसर. ठीक है, वेरी हाई लेवल्स ऑफ ALP 10 to 12 times ऑफ अपर लिमिट मे बी नोटिस्ड इन एक्स्ट्रा हेपेटिक ज्वाइंटेस कॉज बाय द गॉल स्टोन और बाय द कार्सिनोमा हेड ऑफ द पेनक्रियास और इन लार्ज लिम्फ नोड. एसिड फॉस्फेटेज, अगेन इट इज अ कोएंजाइम, इट हाइड्रोलाइज फॉस्फोरिक एसिड एस्टर, पीएच बिटवीन 4 to 6. द नॉर्मल वैल्यू इज 2.5 to 12 यूनिट पर लीटर. ACP सिक्रेटेड बाय द प्रोस्टेट सेल्स, RBC, प्लेटलेट्स एंड WBC. द प्रोस्टेट आइसोएंजाइम इज इनएक्टिवेटेड बाय द टार्ट्रिक एसिड एंड ACP टोटल वैल्यू इज इंक्रीज इन प्रोस्टेट कैंसर, हाईली एलिवेटेड इन बोन मेटास्टेसिस एंड प्रोस्टेट कैंसर. दीज आर सम एंजाइम. अब ये बहुत अच्छा डायग्राम है, ये आपको बुक्स में मिल जाएगा. जैसे आपका AST है और ALT है, ये दोनों एंजाइम क्या है? आपके लिवर स्पेसिफिक एंजाइम है. इफ देयर इज एनी डिसऑर्डर रिलेटेड टू लिवर, दीज आर द टू एंजाइम्स विच कैन इंक्रीज प्राइमरीली. ठीक है, अगर आपको नॉर्मल इन्फेक्शन भी है, नॉर्मल खांसी जुकाम भी है, तो ये जो एंजाइम है सबसे पहले इनकी वैल्यूज क्या होंगी? रेज्ड होंगी. ठीक है, आपकी AST जो है दिस इज वेरी स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. रिलीज कहाँ से होता है? ये आपके लिवर से होता है. और ALT जो है वो आपका लिवर स्पेसिफिक एंजाइम है. वैसे SGOT जो है वो एल्कोहलिक डिजीज में भी है, तो यहाँ फिर इंसान झूठ नहीं बोल पाता है. OT बढ़ रहे हैं, कोई एल्कोहलिक है तो वहां तो बहुत जल्दी से लेवल रेज हो जाते हैं. लड़कों ने कितनी जल्दी से ऐसे सुना है रे, क्या कान खड़े हो गए. ओके, दीज आर सम अनदर एंजाइम और ये जो है आपके मेजर डायग्नोस्टिक साइट्स हैं. ओके, अगेन दीज आर सम एंजाइम्स एंड दीज आर फॉर टेस्टिंग. जैसे हमने एक बात करी थी यूरिएस जो है वो आपका किसके लिए स्पेसिफिक होता है? यूरिया के लिए. यूरिकेस किसके लिए होता है? यूरिक एसिड के लिए. अब यहाँ पे ग्लूकोज देखिए आप, GOD POD मेथड है. ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड परऑक्सीडेज एंड हेक्सोकाइनेज, ये स्पेसिफिक होते हैं आपके ग्लूकोज के लिए. कोलेस्ट्रॉल परऑक्सीडेज से भी होता है आपका और कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज से भी होता है. तो दीज आर द मेथड्स. दीज आर सम अनदर एंजाइम, ADA एंड लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज. ADA जो है वो आपका सीरम में भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं और इसके अलावा हम लोग प्लूरल फ्लूड के अंदर भी इसका एग्जामिन करते हैं. सेम एज LDH, आपका सीरम के अंदर भी इवेल्युएशन होता है और आपके फ्लूड्स के अंदर भी इनका इवेल्युएशन होता है. जैसे ADA है, ADA इज वेरी गुड मार्कर फॉर ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है, ADA का नाम सुनते ही सबसे पहले हम लोगों के माइंड में क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस है. फिर हम लोग क्या करते हैं, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं. विच काइंड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? मैनेंजाइटिस है, कौन सा वाला है? मैनेंजाइटिस के केसेस में भी इट कैन बी एलिवेटेड. नाउ थेरेपेटिक यूज ऑफ एंजाइम, एस्पार्जिनेज है आपका अक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया है, स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज है इंट्रावेस्कुलर क्लॉट के लिए है, हैल्यूरोनिडेज है इनहेंस लोकल एनेस्थेटिक,
पेनक्रिएटिन है, पेनक्रिएटिक इनसफिशियंसी एंड पेपेन इज फॉर एंटी इंफ्लेमेटरी. दिस इज ऑल अबाउट योर एंजाइम. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क.